हेलो एवरीवन। तो निफ्टी का ये इंट्राडे चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों का अगर आप चार्ट देखेंगे आज के दिन में, तो दोनों में जो आज के दिन में जो मूवमेंट हुआ है, काफ़ी छोटे से रेंज में एक मूवमेंट हुआ है। इसका अगर आप डेली चार्ट देखिएगा तो डेली चार्ट में देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन में जो ट्रेडिंग हुआ था उसके रेंज में ही, उसी के रेंज में आज के दिन में भी ट्रेडिंग हुआ है। तो एक इनसाइड कैंडल बना है, लेकिन देखिए डोजी कैंडल कल निफ्टी में जो बना था, डेली चार्ट में डोजी कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक बायर्स या फिर सेलिंग वाला सिग्नल बनना चाहिए था, जो कि बना नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा बाइंग वाला अगर कैंडल बनता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ये बना नहीं, ये एक बहुत ही इनसाइड कैंडल बन गया। तो ये भी खराब नहीं है, और हमारा जो बाइंग का लेवल है उसका जो स्टॉप लॉस है ये क्लियर कट अभी भी है। लेकिन यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था कल के वीडियो में, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए मार्केट में क्या होता है कि एक ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन, वोलाटाइल मार्केट, इस टाइप का मार्केट देखने के लिए मिलता है। ट्रेंडिंग मार्केट के बाद रुकने का जगह होता है। 5 मिनट के चार्ट को समझिए, देखिए 5 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड आया नीचे की तरफ। ये जो ट्रेंड है इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया कि देखिए यहाँ पे जो है मार्केट एक नीचे की तरफ यहाँ पे करेक्टिव फेज में आ सकता है। तो देखिए ऑप्शन सेलिंग करेंगे तब भी प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बाइंग करेंगे तब भी प्रॉफिट होगा, लेकिन फंसेंगे कहाँ पे आप, ये वाला जोन में। पूरा ये जो पूरा जोन है, इस जोन में अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारा ट्रैपिंग के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये कंसोलिडेशन फेज है, और जब मार्केट यहाँ पे आया, इस जोन आसपास में आया, तभी हमारा एक कैलकुलेशन था कि अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। और कल के दिन में हमने एक बाइंग एंट्री भी जोन में डिस्कस किया, उसके बाद देखिए मार्केट उसी जगह खड़ा है। तो अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया है तब आप लॉस में चल रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग किया तब आप प्रॉफिट में हैं, और फ्यूचर बाइंग किया है तो आप इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग की रणनीति सबसे बेस्ट तरीके से बताया था कि सबसे बेस्ट इसमें यहाँ पे तरीका ये रहेगा कि ये जो ऊपर का ट्रेड है उसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आने के चांस अभी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो इसका अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे कि देखिए लो तो बनाया, लेकिन इस टाइप से जो लो बनाया, बहुत ही स्लो टाइप से लो बनाया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक बाइंग वाला पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है एक स्ट्रोंग बाइंग वाला हो सकता है, लेकिन देखिए इसमें हो क्या रहा है ना कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज बना रहा है मार्केट, और जो फॉल आया है, आप इसको एक बार डेली चार्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि जो मार्केट में कई बार इस टाइप का जो फॉल आ जाता है ना, कई बार आप देखेंगे मार्केट में कि आपका कोई फॉल आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का जब फॉल आ गया तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे एक टाइम पास करेगा, उसके बाद ऊपर या नीचे के लिए डिसाइड करेगा। तो अभी मार्केट डिसाइड नहीं करने पा रहा है। यहाँ पे देखिए डोजी कैंडल बना, आज के दिन में अगर ग्रीन बनता तो बायर्स एक्टिव होते, लेकिन वैसे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें एग्जिट भी करेंगे। तो इसमें कोई हमें, अब जो आज के दिन में अगर एक अच्छा मूवमेंट आ जाता तो एक अच्छा मूवमेंट वाला ट्रेड बनता, बट ऐसा आया नहीं, तो थोड़ा सा इसमें हम केयरफुल रख के ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब मार्केट आया उसके बाद यहाँ पे सेलिंग में आ गए, और अब यहाँ से हम बाइंग में ही आ गए हैं। लेकिन अभी ये जो बाइंग वाला पोजीशन है, इसको हम थोड़ा सा उतना अग्रेसिव तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट में कि किस टाइप का मूवमेंट यहाँ पे आता है, तब हम आने वाले दिनों में कोई और अग्रेसिव ट्रेड बनेगा तो मैं इसी चैनल पर शेयर करूंगा। सेम टाइप से अगर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को अगर आप देखते हैं, बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है, ये देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में आप देखेंगे कि ये देखिए फॉल जो आया ना, इस फॉल के बाद यहाँ से देखिए तुरंत से यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन होने लगा और एक ही जगह पे खड़ा हो गया। स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि ऊपर भी इस एवरेज के आसपास भी जा सके, तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम लग रहा है मार्केट में। जो भी आने वाले दिनों में कोई अपडेट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मार्केट में जो छोटा सा निफ्टी में बाइंग पोजिशन है उसको हम होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो उसमें से हम एग्जिट करेंगे, या फिर टारगेट भी आएगा तो उसको भी हम एग्जिट करने का प्लान करेंगे। निफ्टी में हमारा टारगेट क्या है, छोटा सा टारगेट है अभी हमारा, ये जो प्रीवियस हमारा जो 19,800 वाला जो लेवल है, आप इसको अगर आवरली चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए आवरली चार्ट में क्या है कि यहाँ पे देखिए कम से कम इस जोन तक आपका मार्केट अगर आता है, यहाँ पे इस लेवल को देखिए, ये वाला जो लेवल है, इस जोन तक भी मार्केट आ जाता है तो एक अच्छी बात होगा और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं आएगा, नीचे की तरफ जाएगा, इस लो को ब्रेक करेगा तो हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। सिंपल तरीका यही है,